23,000 किलोमीटर पे मैंने टायर रिप्लेस किया, तो ऑलमोस्ट 3,000 किलोमीटर्स मैंने बाइक चला लिया है और अब तक टायर का रिव्यू एकदम सही है। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो है सो हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल द मोटो सिंह एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग जा रहे हैं टू बाय सम न्यू रबर्स फॉर माय बीस्ट गमोरा और हमारा स्टोर सामने आ गया। न्यूली मैन्युफैक्चर्ड रबर इज हियर ओनली एट उत्तम टायर। चलो टायर शॉप करते हैं आज। तो ये हमारे इंदर भाई है, अगर पुराने वीडियोस देखे तो इंदर भाई को तो जानते होंगे। हिमाचल और जम्मू की हमारी ट्रिप थी तो उसमें एक्सक्लूसिव वहाँ के गाइड बने हुए थे। तो इंदर भाई की एक खुद की शॉप है तो सीएट में ये एक्सक्लूसिवली डील करते हैं। लास्ट 22 इयर्स हम सीएट के साथ डील कर रहे हैं एंड फॉर लास्ट 2 इयर्स हम लोग जेके के साथ डील कर रहे हैं एंड फॉर मोर देन 1-1.5 ईयर मिचेलिन, टीवीएस, मैक्सिस। तो ये एक टायर ऑप्शन है जो है सीएट का जूम रेड यानी रेडियल टायर है। ये पोलर टायर जैसा ही लग रहा है मुझे तो। और ये आ गया मिशलिन का टायर, दिस इज नॉन रेडियल टायर और इसके थ्रेड भी एकदम मोटे मोटे हैं और राउंड टायर है बेसिकली। ये फ्लैट प्रोफाइल का टायर है और ये राउंड प्रोफाइल का टायर है। तो अभी टायर का मेन डिफरेंस समझते हैं कि क्या है। तो मेजर डिफरेंस क्या है दोनों टायर? सो जो सीएट है, सीएट इज ओनली मेकिंग एक्सक्लूसिव रेडियल टायर्स फॉर दिस साइज एंड वेयर एज मिचेलिन वो दोनों चीज बना रहा है, वो रेडियल भी बना रहा है और वो नाइलॉन का जो धागा होता है वो भी बना रहा है। अच्छा। तो इससे क्या हो रहा है, मिचेलिन का कैन केटर टू टाइप ऑफ कस्टमर्स। वन, दोज हु वांट अफोर्डेबल प्राइसिंग टायर्स, दो अदर हु वांट गुड रेडियल टायर्स। सो इट हैज बोथ द प्रोडक्ट्स। नॉन रेडियल टायर है, इसमें नायलॉन थ्रेड होते हैं, लेकिन रेडियल टायर आने से पहले नायलॉन थ्रेड ही यूज होते थे, चाहे वो ट्रक हो, ट्रक के टायर हो, चाहे वो कार के टायर हो, चाहे वो कोई भी टायर हो। तो रेडियल तो अभी मतलब रिसेंटली आना चालू है, रिसेंटली भी नहीं मतलब टाइम हो गया, टेक्नोलॉजी जैसे इम्प्रूव होती है। तो मिशलिन टायर भी कोई बैड प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी बेच रही है और वारंटी के साथ बेच रहे तो लेना क्यों नहीं बना। 5 इयर्स वारंटी, मिशलिन हैज 5 इयर्स वारंटी, मिशलिन का 5 ईयर वारंटी। सीएट हैज 3+3 इयर्स अनकंडीशनल वारंटी जिसमें 6 मंथ एक्सटेंड करके सीएट देता है। अच्छा, फॉर स्पेशल केसेस। तो लेकिन प्राइस में फिर कितना डिफरेंस आ जाता है, मतलब अगर रेडियल कोई लेना चाहे और नॉन रेडियल? इफ समबडी इज प्लानिंग फॉर सीएट अगर कोई प्लान कर रहा है तो रफली 7,500 से 8,000 के रेंज में उसको, 7,500 से 8,000 के रेंज में उसको दोनों टायर होंगे रेडियल के, ठीक है, सीएट के। वेयर एज अगर नाइलॉन के मिचेलिन के टायर लेने जाएगा तो वो रफली 6,500 से 7,000 मैक्सिमम 6,500, ठीक है, दैट इज द बजट वेयर इट गोज। और जो मिचेलिन रेडियल्स है वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 9,000। मिशलिन का रेडियल टायर दैट इज मोर कॉस्ट। हाँ, और मैंने काफी सारे वैरायटीज है। हाँ, मैंने अपोलो के भी टायर के प्राइसेस पूछे थे, वो भी 10,000 समथिंग के रेंज में आ जाता है। अपोलो इज गोइंग अराउंड 12, अभी 12 जा रहा है, 11 to 11,500। मैं ये मैंने 2-3 महीने पहले पूछा था प्राइसेस, तो ये मुझे 10,500 समथिंग के रेंज में मिल रहा था लेकिन मैंने नहीं लिया। मेरे को मिशलिन सही लगा तो मैंने मिशलिन ही ले लिया। तो जेके टायर या फिर सीएट टायर या फिर कोई भी टायर हो, चाहे बाइक के लिए, चाहे कार के लिए, चाहे थ्री व्हीलर के लिए, चाहे 18 व्हीलर्स के लिए, यस इवन ट्रक्स के भी टायर्स हैं। तो कोई भी टायर्स हो अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनकी वेबसाइट भी है, व्हाट्सएप का नंबर भी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। तो ज़रूर विजिट करना उत्तम टायर को, यह है कलमबोली में बीमा कॉम्प्लेक्स में। तो आई एम टेकिंग दिस टायर होम फॉर माय गमोरा।
टायर इंस्टॉलेशन डन, पुराने टायर वापस से लटका दिए, नए टायर लग गए, न्यू रबर है टायर, अभी टेस्ट करते कि कैसा है टायर। और ये MRF के पुराने टायर में कैरी कर रहा हूँ साथ में, हमारा लेग गार्ड कम टायर कैरियर ज़्यादा हो गया है अभी तो। ऑलमोस्ट 2-3 महीने के बाद मैं दोबारा वीडियो शूट कर रहा हूँ टायर के बारे में। ओडो पे 26,900 किलोमीटर शो कर रहा है और 23,000 किलोमीटर पे मैंने टायर रिप्लेस किया था मेरा, तो ऑलमोस्ट 3,000 किलोमीटर्स मैंने बाइक चला लिया है मेरे ये टायर्स पे। और अब तक टायर का रिव्यू एकदम सही है। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो है कि टायर गोल है, पहले के टायर जैसा फ्लैट प्रोफाइल वाला टायर नहीं है, तो ये टायर थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव टायर बोल सकते हैं, एग्रेसिव है, यानी जैसे अगर टर्न करोगे लीन करोगे तो ये टायर आपको अलाउ करेगा कि और लीन कर सकते हो, तो कॉन्फिडेंस उतना बिल्डअप हो जाता है, लेकिन वही कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कभी डगमगा भी सकता है, क्योंकि टायर इंस्टॉल करने के 100-200 किलोमीटर्स तक मुझे ऐसे ही फील होता था कि ये टायर थोड़ा सा मतलब वॉबल हो रहा है या चल नहीं पा रहा है सही से। तो मैंने वो एयर प्रेशर भी चेक किया था, एयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, इस वजह से भी थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आ रहा था। लेकिन टायर में प्रॉपर एयर प्रेशर मेंटेन होगा तो बाइक एकदम मक्खन जैसे चलती है, मतलब थोड़ा सा हल्की लगने लग गई है बाइक, क्योंकि ये गोल टायर है इसलिए। और दूसरा थोड़ी सी हाइट भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब अभी वो बहुत ड्रास्टिक चेंज तो नहीं है, एकदम माइनर सा हाइट चेंज आता है। तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ अगर आपको मिशलिन स्ट्रीट पायलट 2 अगर अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए कोई टायर्स तो ये टायर ले सकते हो। तो ये देखना होगा कि ये मिशलिन के टायर्स जो कि नॉन रेडियल है ये कितना लाइफ स्पैन देते हैं। तो यही था मेरा रिव्यू, टायर बहुत अच्छे हैं, जिसे लेना है वो बेझिझक ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है टायर में। तो चलो गुड बाय, दैट्स मी साइनिंग ऑफ, कहीं पहुंचना था मैं पहुंच गया, और फिर मिलेंगे दोबारा ऐसे ही किसी वीडियो में, बस तब तक के लिए बाय। चलो यार।